हर वर्ष आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर विदिशा द्वारा ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। उसी तरह इस वर्ष भी ऑनलाइन पेंटिंग कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप में से जिन बच्चों को पेंटिंग बनाना आता है वो ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो ₹50 है। ₹50 देकर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर आप अपनी पेंटिंग हमको बनाकर यहाँ पर जो देते हैं वो पेंटिंग आपकी हम इंटरनेट पर अपलोड कराते हैं। उसके बाद जिस बच्चे को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी पेंटिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। इसी क्रम में उससे कम वोट जैसे मिलेंगे वो पेंटिंग उससे नीचे, उससे कम वोट वाले की और नीचे, इस तरह से पेंटिंग जो है क्रम से जम जाती हैं। फिर 26 जनवरी को इनको पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। सील्ड और सर्टिफिकेट इनको दिए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जो प्राप्त करते हैं उनको सील्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाता है और उनको सील्ड सर्टिफिकेट मिलते समय जो फ़ोटो खींचते हैं वो फ़ोटो भी उनको लेमिनेशन फ्रेम के साथ दिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को भाग लेना हो वो जल्दी अपने नाम नोट करा सकते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि इसको आप कैसे देखेंगे। पिछले वर्ष का हम आपको खोलकर दिखा देते हैं किस तरह से आप उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाएं। गूगल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ICIC कंप्यूटर सेंटर टाइप करना होता है। ICIC कंप्यूटर सेंटर टाइप करने के बाद आप एंटर दबाएं। वेलकम टू ICIC कंप्यूटर सेंटर पर क्लिक करें। ऐसा करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ICIC कंप्यूटर सेंटर की वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको पेंटिंग पर जाना है और 2017 की अभी पेंटिंग आपको ओपन करना है। 2018 की पेंटिंग अभी ओपन नहीं करना है क्योंकि 18 की पेंटिंग में अभी एडिटिंग चल रही है। अभी सिर्फ उसमें पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए उसमें पेंटिंग डल रही हैं। अभी उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, अभी वोटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको ना देखें। अभी आप सिर्फ 17 वाले को देख सकते हैं या पुराने को देख सकते हैं। 18 वाले को आप अभी कुछ दिन बाद जब हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम बता देंगे कि अब तैयार हो गए हैं, अब वोटिंग स्टार्ट होने वाली है, तब आप इसको देखना स्टार्ट कर दें। फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि वोटिंग करना कैसे है, तो पूरा वोटिंग करने का तरीका हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे जिसके बाद आप आराम से वोटिंग कर सकते हैं। अभी आपको हम पुरानी पेंटिंग खोलकर दिखा रहे हैं किस तरह से पेंटिंग इसमें अपलोड होती हैं। 2017 में जिन बच्चों ने भाग लिया था उनमें से आप देख रहे हैं जैसे कि संतोष कुशवाहा को 1680 वोट यहाँ पर मिले हुए थे, प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था पेंटिंग कंपटीशन में। उसके बाद अमन साहू को 1208 वोट मिले हुए थे, इन्होंने द्वितीय पुरस्कार यहाँ प्राप्त कर लिया था। उसके बाद आप देख रहे हैं अभिषेक यादव ने 1128 वोट प्राप्त किए थे, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया था। तो इनको 26 जनवरी 2018 को सील्ड और सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया था और इनको A4 साइज के फोटो लेमिनेशन फ्रेम के साथ दिए गए थे। इसी प्रकार इस वर्ष भी जो बच्चे भाग लेंगे उनको भी फोटो लेमिनेशन फ्रेम के साथ दिए जाएंगे। पुरस्कार देते हुए जब वो सम्मानित होते हैं उस समय जो फोटो खींचते हैं वो फोटो उनको दिए जाएंगे और साथ ही उनको 26 जनवरी पर सील्ड और सर्टिफिकेट उनको मिल जाएंगे। तो जो बच्चे भाग लेना चाहें भाग ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरह से पेंटिंग इसमें अपलोड होती हैं और क्रम से पेंटिंग यहाँ पर जम जाती हैं। उसके बाद आप जैसे पेज नंबर 1 है फिर अगले पेज आएंगे, इस तरह से यहाँ पर आते जाएंगे। अभी क्या है कि पुरानी पेंटिंग होती हैं तो जो पेंटिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आती हैं और पहले पेज में जो पेंटिंग है वो पेंटिंग बच जाती हैं, बाकी सारी पेंटिंग्स को यहाँ से हटा देते हैं। अब इस वर्ष आप लोग देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या रहता है, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आता है। पर डे आप वोटिंग चालू होने के बाद रिज़ल्ट को देख सकते हैं, किसको कितने वोट मिले, कौन फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है। ये वोटिंग जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे क्रम जो है वो चेंज होता रहेगा। जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान है वो आपका चेंज होता रहेगा, तो आप इसको देखते रहें और जिनको भाग लेना शीघ्र नाम नोट करा सकते हैं।